का, जबकि आप दलित हिंदू नहीं है, आप समझो इस बात को। 5000 साल से ये ब्राह्मण लोग दलितों का शोषण करते आ रहे हैं, जब से सनातन धर्म है, आप समझो इस बात को। ये आज तक उनको अपने भाईचारे में शामिल नहीं कर सके, ये बात करते हैं। आज हमारी बहन बेटियों को आप समझो जिस देश के अंदर स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, उनका शोषण करते थे ये लोग, आप बात कर रहे हो। तो आज इस चीज को धार्मिक एजेंडे में तोड़ा जाएगा अगर इसके ऊपर बात उठेगी। पर इन शॉर्ट में हिंदुस्तान सिर्फ और संविधान से जुड़ सकता है किसी एक राज्य से। अनुराग ठाकुर बयान आया, उन्होंने कहा कि आंदोलन को खत्म कर दीजिए, आंदोलन से सरकार की बदनामी हो रही है। जब अनुराग ठाकुर इतने बड़े बयान देते थे गोली मारो सालों को, जब देश की बदनामी नहीं होती थी, अनुराग ठाकुर से पूछो, हिंदुस्तान को तुम लोग बंदूक की नोक पे रख करके इंसाफ करवाने की बात करते हो जब देश की बेइज्जती नहीं होती है। आज छवि खराब हो रही है देश की, बहन बेटियां न्याय मांग रही हैं, डालो बिनभूषण को अंदर, कौन मना कर रहा है, उसको बंद करो, इंसाफ दो या अपनी बहन बेटियां घर दें। आप लोगों को भी चैनल वालों को राहत मिलेगी, गर्मी में सड़ते रहते, यहाँ पे कुछ और काम तो है नहीं। हर आदमी साफ कह रहे हैं कि देखिए जो एक मैं निर्दोष हूँ, लगातार आज एक छोटी सी बात है, नार्को टेस्ट कराया जाए। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, छोटी ली बात नहीं, एक नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा, उनके लिए जांच कमेटी बिठाई जानी चाहिए, जो जांच कमेटी बिठाई गई है। आप एक बात ध्यान रखिए, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आप याद रखो भैया, आग लगेगी तो धुआं उठेगा, धुआं उठेगा तो आँच जलेगी, आँच जलेगी तो खाना पकेगा। तुम हाथ में माचिस पकड़ के बैठे, लकड़े सामने लगी रहे, आग तुम लगाओ ना, धुआं उठे ना, खाना कैसे पकेगा। तो आप समझे इस बात को, आज हमारे देश के अंदर नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, तमाम बात जो है, तमाम लोगों की नाकों का चुनाव है, लेकिन जो रिजल्ट उसका 100% सही नहीं आता है। देखिए आज सही आना है आना, वो तो आज के मिली भगत हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रखो। आज तो ऐसे ईवीएम के रिजल्ट भी सही नहीं आते, अब इसको हम क्या कह सकते हैं। तो आज जहाँ पे इनको सही करना होता है वहाँ सही आते, जहाँ नहीं करना होता वहाँ नहीं करते। आज की डेट में महिला पहले कह रही कि फांसी लटका दीजिएगा, देखिए किसी ने नहीं बोला फांसी पे, आज उन्होंने ये बोला कार्रवाई हो, जो संविधान के तहत उनकी सजा बनती है वो हो। हाँ, नार्को टेस्ट के बाद बोला कि उन्होंने ये बोला था, आप पूरा बयान सुना करो उनका, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम गलत पाए गए तो हमें फांसी पे लगा देना, अगर वो गलत पाए गए तो उसे फांसी पे लगा देना। तो बयान पूरा कोट करो ना भाई, ऐसे भ्रम क्यों फैला रहे हो। तो आज की डेट में मैं आपको एक बार छोटी सी बता दूं, हमारे देश का कानून जो है वो डर के बैठा हुआ विभूषण से, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस को इच्छे से ऑर्डर नहीं है। आज लोग मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उठाना चाहिए गृह मंत्रालय के ऊपर, होम मिनिस्ट्री के ऊपर, सारी पुलिस प्रशासन होम मिनिस्ट्री पे आती है। अमित शाह से सवाल होने चाहिए, अमित शाह के नाम के नारे लगने चाहिए कि क्यों इंसाफ नहीं होता। आज लोग हर बात में मोदी को घेरते हैं, मोदी से आप सिर्फ ये कह सकते हो कि आप बेटियों के समर्थन में कुछ दो शब्द कह दो। आज इंसाफ करवाना अमित शाह के हाथ में है, आप अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोलो। आम जनता क्यों नहीं मोर्चा खोलती, पर लोग डरते हैं, लोग कहते हैं भैया मेरी बात सुनो, लोग कहते हैं अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलेंगे, टेरी पा रहा है भैया मैं घर से उठवा देगा। तो आज डेट में तुम बोलने की हिम्मत नहीं रखते और इंसाफ की उम्मीद करते हो। आज या तो भैया हथकंडे मत अपनाओ, फिर पूरी बात बोलो कि ये इंसाफ और सिर्फ होम मिनिस्ट्री से निकल सकता है, गृह मंत्रालय से निकल सकता है, अमित शाह की जेब से निकल सकता है ये इंसाफ का लिफाफा। अगर अमित शाह उसको बचाने की किफायत करेंगे तो कोई मायका लाल उसको रोक नहीं सकता उसको निर्दोष साबित करने से। लेकिन जिन नेताओं के हाथों जिम्मेदारी थी, जिसमें मनोज तिवारी शामिल है, दिल्ली सांसद हैं, तो वे तो ड्राइवर बन गए हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा के। देखिए वो तो वैसे ही नतर्की आदमी है, गायक आदमी, उससे क्या कहना, वो तो गलती से एक बहती गंगा में हाथ धो गया मोदी लहर के अंदर। फिल्म चारों को भी मिल गया, हंसराज हंस भी आए ऐसी। आप उनकी लोकसभा में जाकर के देखो, किसी ने पूछो तुम्हारे यहाँ का सांसद कौन है, कहता कोई दाढ़ी वाला गायक है, हमें नहीं पता, हमने आज तक देखा ही नहीं। तो आप ये लगा लो, तो उसके बाद किसी बुड्ढे से पूछो अंकल आपको पता है, वो फिर एक पंजाबी निकल कहता हाँ वो चोरी साड्डा हो गया, की करिए वो है हमारे यहाँ का सांसद। तो आप ये लगाओ, हाँ नाम नहीं पता, तो जो आदमी अपनी लोकसभा में अपने नाम को नहीं पहुंचा सका वो काम को क्या पहुंचाएगा, सबसे बड़ी बात ये समझो ना। तो ऐसी मोदी लहर में कितने सारे लोग, मोदी लहर में मोदी जी घर घर तक अपना नाम पहुंचा दिए, भले ही वो 5 करोड़ राशन हो, 10 हजार करोड़ का प्रोपेगेंडा था मोदी को मोदी बनाने में, ऐसे कोई घर घर नहीं पहुंचता। केजरीवाल घर घर पहुंचा, वो भी एक प्रोपेगेंडा के तहत पहुंचा। कोई भी बड़े बड़े नेता नेशनल मीडिया में आते हैं तो उनकी छवि को सुधारने का काम नेशनल मीडिया करती है। आप याद रखो, आज आप एक बात को ध्यान रखो, 15 साल आज मोदी जी, 15 साल ये हिंदुस्तान के सब लोगों से सवाल है, सच्चाई बताऊंगा मैं झूठ नहीं बोलता कोई भी बात। 15 साल मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, पर जब प्रधानमंत्री के लिए चेहरा आया तब लोगों को पता लगा कोई मोदी भी है, वरना उससे पहले सिर्फ राजनीतिक आदमी को पता था कि मोदी है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद नहीं पता। आज जिस विभूषण के खिलाफ हमारी बहनों ने मोर्चा खोला, ये लोगों को यहाँ के पता लगा 6 बार का सांसद है, इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनको विभूषण नहीं पता, आप समझो। तो आज कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये लोग हाईलाइट हुए हैं, आप समझो। मोदी को मोदी बनाने में, यही मैं कह रहा हूँ, 15 साल के मुख्यमंत्री को कोई नहीं जानता था भाई, मैं यही कह रहा हूँ। तीन बार मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, लेकिन
लेकिन जनता को दिखाएगा मॉडल, एक मॉडल की गुजरात मॉडल जैसे तो वही तो हुआ है, ये देश का विकास हुआ है। गुजरात मॉडल ही तो पूरे हिंदुस्तान में है। गुजरात मॉडल नफरत का मॉडल था, गुजरात मॉडल हिंदू मुसलमान का मॉडल था, 2000 दंगों के ऊपर प्रताड़ित मॉडल था, विनाश का मॉडल था। वही 2002 के दंगों का माहौल पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया, जो वहां पे विनाश होता था वो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच गया। तो 2002 का, 2002 का भैया अपनी अदालत अपने कोर्ट जिसका मर्जी क्लीन चिट करवा लो, क्लीन चिट नहीं दोगे तो आपका फिर कहां तबादला होगा आप सोच भी नहीं सकते। धरती पे रहोगे नहीं रहोगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर आप ये बात ध्यान रखो कि 2002 के बाद मोदी सरकार क्लीन चिट खुद को ही दे गई। आप समझो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने कहा था इस्तीफा करवा दिया जाए, और उस समय बहुत से नेता ऐसे थे उनके बचाव में आ गए। तो इस चीज को तो छोड़ दिया जाए। मोदी का आपने मीडिया की बात करी, मीडिया ही है जो आदमी को आदमी बनाती है। इनकी कोई पहचान नहीं थी 15 साल मुख्यमंत्री की पहचान नहीं थी, 20,000 करोड़ रुपए 10,000 करोड़ रुपए अडानी अंबानी ने लगाया और आज उसी का एहसान उतारता फिर रहा मोदी सरकार। आज सारा हिंदुस्तान मोदी जी ने अडानी की गोद में डाल दिया, अडानी को बड़ा बना दिया। आप बार बार मीडिया का नाम लेते हैं, टीवी मीडिया की बात करते हैं, आप पश्चिम बंगाल चुनाव देख लीजिए, मीडिया ने कितना प्रोपेगेंडा चलाया, किस तरीके से खबर दिखाई है। आप देख लीजिए कि कर्नाटक में किस तरीके से पूरा बवाल एक बखेड़ा खड़ा किया गया, लेकिन जनता समझदार है, जनता ने वहां पर कांग्रेस को चुना। देखिए पढ़ी लिखी है, साउथ की जनता तो पहले भी सुना था, ये पहली बार तो सुना नहीं है। लेकिन मीडिया से पहले भी मेरी बात तो सुन लो, बहुत इससे पहले भी सुना था। तब बाद वहाँ पे जोड़ तोड़ की राजनीति करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। 15 राज्य भाजपा मुक्त है, आप समझो हर जगह जोड़ तोड़ की राजनीति, फिलिंग खोल की राजनीति, ये सारे काम करने वाले लोग हैं। आज आप इस बात को यहाँ से समझ सकते हो अगर आप समझना चाहो कि कर्नाटक के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेते हैं। हिंदुस्तान के बहुत से पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं, नाम को डिग्रियां उनकी है, इंग्लिश बोलते हैं। आप याद रखो पढ़े लिखे इंग्लिश बोलते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के लोग हैं, और उसके बावजूद मोदी का जब नाम आता है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, दिमाग में गोबर आ जाता है, और याद रखो उसके बाद उनको कुछ नहीं पता लगता कि कौन कौन है। इंसान इंसान नहीं दिखता, इंसान के रूप में हिंदू दिखता है, इंसान के रूप में मुसलमान दिखते हैं, एक नफरत दिखती है, भाईचारे का खात्मा दिखता है। आप जिसकी बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में तो बीजेपी पूरी तरह साफ हो चुकी है, 5 राज्य हैं कहीं पर बीजेपी सरकार नहीं, उत्तर भारत में बीजेपी दबदबा है। देखिए बहुत से गांव देहात के लोग हैं आज जो योगी के फैन हैं, आप समझो इस बात को। तो आज यूपी के अंदर योगी की वजह से आज मोदी सरकार को बेनिफिट मिलता है, मोदी की वजह से योगी को नहीं मिलता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगी समर्थक तो हैं पर मोदी समर्थक नहीं है। मैं आपको लाख लाख रुपए की बात करवा दूंगा, ये आप जाओ गाँव गाँव के अंदर यूपी के तो वो बोलेंगे भैया हम योगी को सपोर्ट करते हैं मोदी को नहीं करते। तो आज योगी जी की नीतियों की वजह से वो योगी को सपोर्ट करते हैं। नीति बेहतर है, आप मानते हैं धर्म की नीति बेहतर है, धर्म की नीति बेहतर है, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है किस प्रकार से हिंदुओं को समर्थन लेना है, किस प्रकार से उन्हें लुभाना है, किस प्रकार से धर्म देख के टारगेट करना है। तो ये बात को आप समझो कि हमारे देश के अंदर जो राजनीति है वो धर्म को आधार बना के की जा रही है और योगी जी उसमें माहिर है।